हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप को कितना भी यूज करेंगे तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति को हमेशा ऑफलाइन ही बताएगा। दोस्तों आपको इस फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जबकि ये फीचर नॉर्मल व्हाट्सएप में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको कहाँ से दोस्तों एनेबल करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करना, जो भी नॉर्मल आपके पास व्हाट्सएप होगा वही नॉर्मल व्हाट्सएप के बारे में बताने वाला हूँ। तो नॉर्मल व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन कर लेना, और जब ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट देखने को ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना। और जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेटिंग्स वाले में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीसरे नंबर में प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो प्राइवेसी वाले में क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो ऊपर वहाँ पे है, इसको आप लोग को अगर इधर एवरीवन में अगर सेलेक्ट होगा तो इसको नो बॉडी में सेलेक्ट कर देना। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप लोग का एवरीवन पे क्लिक होगा, तो इसको भी यहाँ पे सेम एज लास्ट सीन वाले में क्लिक कर देना। दोस्तों ये दो चीज़ें करने का रहेगा आपको, तो बहुत आसानी से आप लोग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नॉर्मल से बैक आ जाएंगे दोस्तों। तो आप जितना भी व्हाट्सएप को यूज करेंगे दोस्तों, आपको दूसरा व्यक्ति कोई पता नहीं कर पाएगा कि आप व्हाट्सएप में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको हमेशा ऑफलाइन ही बताएगा, ठीक है। दोस्तों पता नहीं कर पाएगा कि आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में जानकारी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का जानकारी मिलता रहता है।